पाली के जैतारण में एक बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बच्ची दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गई थी, जहां दो युवकों ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई और इसके बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर वृत्ताधिकारी सुरेश कुमार ने टीम गठित कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिवादी ने हमारे थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि मेरी नाबालिग बच्ची को तीन लड़कों ने जो मोटरसाइकिल पर आए और मेरी लड़की का अपहरण करके और भांजागुड़ी रोड पर उसका ले गए थे और वहां पर उन्होंने तीनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पर हमने थाने पर मुकदमा दर्ज करके पॉक्सो एक्ट में और धारा 376 में दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान के बाद में पीड़िता जो थी उसके बयान लिए गए, उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और इसके बाद तत्परता से पुलिस थाने से टीम गठित कर जो तीनों आरोपी थे, जिसमें एक कुंदन उर्फ लादिर है, दूसरा कमलेश है और तीसरा एक जो लड़का है वो नाबालिग है, उन तीनों को डिटेन किया गया और उनको उनके बाद में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।